साफ नहीं हो पाया कि इसराइल के निशाने पर ईरान सैन्य ठिकाने की कौन सी जगह थी। हमले से हुए नुकसान के बारे में कोई भी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। वहीं इजरायली सेना ने हमले को ईरान में सैन्य ठिकानों पर सटीक हमला बताया। और उधर ईरान की मीडिया ने राजधानी तेहरान के आसपास विस्फोटों की आवाज आने की जानकारी दी है और इस हमले के बारे में हमला होने की तो जानकारी मिल रही है, लेकिन किन जगहों पर ये हमले किए गए इसके बारे में अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। नए दिन की नई शुरुआत यहां हमलों से हुई है और दहल उठा है। इसराइल ने ईरान पर यह हमला किया, हालांकि इस बारे में अभी तक ये जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाई है कि वो कौन से ठिकाने हैं जहां पर हमला किया गया। तो इसराइल के निशाने पर ईरान सैन्य ठिकानों की कौन सी जगह थी, हमले से हुए नुकसान के बारे में भी कोई जानकारी नहीं सामने आई है। इजरायली सेना ने हमले को ईरान में सैन्य ठिकानों पर सटीक हमला बताया है। उधर ईरान की मीडिया ने राजधानी तेहरान के आसपास विस्फोटों की आवाज की जानकारी दी है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि कहां पर हमला हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, किस इलाके को निशाना बनाया गया था। हालांकि इजराइल की तरफ से स्पष्ट किया जा रहा है कि सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया है। ये जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, पिछले हमलों की कुछ तस्वीरें हैं जब हमले किए गए थे, विस्फोटक हुए थे और उस दौरान की जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने हैं। लेकिन अभी हाल ही में जो हमला हुआ है, फिलहाल उसके बारे में ये स्पष्ट ईरान की तरफ से नहीं है कि कहां पर कैसा हमला हुआ है। हालांकि धमाकों की आवाज आने की बात कही जा रही है और लगातार IDF ने ईरान पर हमले की पुष्टि की है, लेकिन ईरान की तरफ से फिलहाल इस पर अभी कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आया है। और हिजबुल्ला ने अपने एक और कमांडर के मारे जाने की पुष्टि कर दी। हिजबुल्ला के दावों के मुताबिक इजराइल के हमले में उसके कमांडर हुसैन अली हाजिम की मौत उसी दिन हुई थी जिस दिन हाशिम सैफुद्दीन मारा गया था। पिछले 29 दिनों में इसराइल के हमले में हिजबुल्ला के कई कमांडर और बड़े नेता मारे जा चुके हैं। उसके बावजूद आप ये देखिए कि जो ईरान है वो बराबर टक्कर देने के लिए तैयार है। लगातार दोनों ही देशों की तरफ से हवाई हमले खासतौर पर किए जा रहे हैं। आज हाल ही में एक बड़ा हमला किया गया है ईरान में और 29 दिनों से लगातार ये वॉर जारी है। कई बड़े नेता मारे जा चुके हैं। जानकारी ये है कि हिजबुल्ला ने अपने एक और कमांडर के मारे जाने की पुष्टि की है। दावों के मुताबिक इसराइल के हमले में उसके कमांडर हुसैन अली हाजिमा की मौत उसी दिन हुई थी जिस दिन हाशिम सैफुद्दीन मारा गया था। 29 दिनों से इसराइल में हमले जारी हैं। लेबनान से इसराइल पर एक बार फिर से रॉकेट से हमला किया गया और ये रॉकेट उत्तरी इसराइल पर दागे गए और इस हमले में दो लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। और हिजबुल्ला के लड़ाकों ने इसराइल पर 4 रॉकेट्स दागे थे, उससे उस इलाके में भारी तबाही हुई थी जिसकी कुछ तस्वीरें भी जो सामने आई थी हमने आपको दिखाई। और आपको बता दें कि ये उत्तरी इसराइल पर दागे गए रॉकेट्स के दौरान लिया गया वो वीडियो है जो कि लॉन्चर से ही लिया गया वीडियो था और आप देख सकते हैं कि तबाही का ये मंजर, उत्तरी इसराइल पर दागे गए रॉकेट्स की ये वो तस्वीरें जिससे जाहिर है कि अभी शांति की कहीं कोई उम्मीद नजर नहीं आती। ये युद्ध अब और भीषण होता जा रहा है।